अनन्यता की भूमिका निभा सके। ओके थैंक यू मिलते हैं बहुत जल्द 2 पीस में। जल्दी ना, मुझे आने वाला है, कल आने वाला है। अच्छा इंतजार करना, मैं हाँ ठीक है ठीक है, जल्दी जाइए मैम। इवेंट में जाना है हमको, जल्दी जाओ। एक सबसे बड़ी बात है देश में अंबानी को लेकर, एक काफी चिंताजनक हुई है। महिला को पहले रेप किया गया, मोलेस्ट किया गया, मैंने देखा वो वीडियो, परेड कराया दो महिलाओं को, वीडियो देखा मैंने, और काफी चिंताजनक है, वायलेंस हुआ है मणिपुर में। देखिए मेरा अनुरोध है मोदी जी से कि वो कृपया अपनी चुप्पी तोड़े और इस देश की महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कुछ करें। मैंने वो वीडियो देखा जिसमें मणिपुर की महिलाओं को वस्त्रहीन करके उनसे परेड कराया गया, और उस परेड के दौरान कुछ लोगों ने उन महिलाओं के साथ छेड़खानी करी, उनके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाया। तो मेरे ख्याल से इससे शर्मनाक कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती इस दुनिया में, जहाँ पर जिस देश में नारियों की पूजा करी जाती है, हाँ लक्ष्मी देवी की पूजा करी जाती है, यहाँ पर हर पूजा में हम देवी के सामने अपना माथा टेकते हैं, क्यों? क्योंकि हम नारियों का सम्मान करते हैं। तो यहाँ इस देश में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत देश है, ये महिलाओं के लिए एक सुरक्षित देश है, ये तालिबान नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी प्लीज़ अपनी चुप्पी तोड़िए और कुछ करिए। 2 महीना हो चुका है इस हादसे को, 4 मई को हुआ था, और अब तक एक भी अरेस्ट नहीं हुई है, खाली उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही शर्मसार है। अगर मैं राजनीति का हिस्सा होती तो मैं ज़रूर अपनी पार्टी से निवेदन करती कि वो सड़कों पर उतर आए, मोर्चा करे, नारेबाजी करे, कुछ करे, ताकि सरकार मजबूर होकर कोई कदम ले। देखिए आप जब पावर में होते हैं तो आपके पास बहुत कुछ करने को होता है, आप रातों रात उन मुजरिमों को सलाखों के पीछे कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं ऐसा, क्यों, क्या मजबूरी है आपकी? जब वीडियो वायरल हो रहा तब लोग एक्शन, या और ये हादसा मई में हुआ था, मई में हुआ और अब जुलाई चल रहा है, जी 2 महीने बाद, तो इन 2 महीनों में कुछ नहीं हुआ, वो मुजरिम आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।